In last video, we have learned exercise 1.1, chapter 1, Prashna number 8 standard 8. Now, we are going to learn exercise number 1.2, standard 8, chapter 1, Prashna number. In this exercise, we have to learn about how we can present a rational number on a number line. So, remember, represent these numbers on the नंबर लाइन. यहाँ पे जो रेशनल नंबर दिए हैं वो हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सीख रहा है और उसका सॉल्यूशन हम करने वाले हैं. रिप्रेजेंट दिस नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. इन स्टैंडर्ड 6-7 यू कैन लर्न इट. हाउ कैन वी रिप्रेजेंट नंबर्स ऑन नंबर लाइंस लाइक 6, 7, 8, 9, 10. देयर इज अ रेशनल नंबर्स एंड इंटीजर्स आल्सो वी हैव लर्न इन स्टैंडर्ड 7. So in now in standard 8 we are going to learn rational numbers. How can we present one number like rational numbers? First, see here 7 by 4, one kind of rational number in form of 3 by 2. So how can you identify where comes this number on number lines? So first you can, there is lots of method to solve it, but first 7 by 4. So in short, 7 by 4, आप 7 to 4 से डिवाइड करके देख सकते हो. 7 by 4 वेरी डिवाइडिंग दिस नंबर 7 4 1 4 3 0. सो 4 point. सो 4 and 1 1 इट होल नंबर एंड 3 by 4 इसका मतलब ये है कि 1 जो है वो आपका पूरा नंबर है और बाद में ये नंबर कहाँ आएगा वो हमें खुद से पता चल रहा है कि ये नंबर लाइन पे आपको पता है कि नंबर लाइन ऐसी होती है जिसमें 0 मिडिल में होता है, वन साइड -1, -2 ऐसे नंबर होते हैं कंटिन्यूअसली और उस तरीके से उसके दूसरे साइड हमें पॉजिटिव नंबर लेने पड़ते हैं 1, 2, 3 लाइक दैट. अब देखो यहाँ क्या हुआ, 7 by 4 को नंबर कैसा है, इसका दो तरीके है. 7 by 4 नंबर कैसा है कि कहाँ आता है पहले वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा. तो हम ये डिवाइड करके देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इसमें होल नंबर क्या है 1. तो 1 से वो नंबर कहाँ पे आएगा, आगे है. दूसरा तरीका ये है कि इसका 7 स्ट्रिप बना दो 0 से 2 के लग, तो 7 इक्वल स्ट्रिप बना सकते हो. या तो फिर इधर देखो 1 है, 1 एज अ होल नंबर एंड आफ्टर दैट देयर विल बी हाउ मेनी पार्ट्स, 4 पार्ट्स. 1 और 2 के बीच में आपको कितने पार्ट्स बनाने पड़ेंगे, 4 इक्वल पार्ट्स बनाने पड़ेंगे. कितने, 4 इक्वल पार्ट्स बनाने पड़ते हैं. तो देखो ये 1 2 मिडिल में पहले बनाइए फिर उसके बाद उसका भी मिडिल कर दीजिए. इतना ध्यान रखना है हमें कि इसके जो पार्ट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए. तो ये 1 1 हुआ 1 1/4, 1 2/4 एंड 1 3/4. ये जो पॉइंट आपको मिलता है वो कौन सा है, 1 3/4. That means 7/4. That means 7/4. दूसरा तरीका ये है कि आप 0 से 2 के बीच में 7 ऐसे पार्ट्स बना दीजिए और फिर उसको भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो. कोई भी तरीका हो लेकिन हमारा आंसर सही होना चाहिए. 1 point something ऐसे ना करें, उसका मतलब 1 और 2 के बीच में ये नंबर है 3/4 है तो 4 हमने इक्वल पार्ट्स किए हैं तो उस तरीके से भी हम कर सकते हैं. दूसरा सर हमारे पास है -5/6. तो इसमें क्या करना पड़ेगा, अब देखो ये क्या है, ये जो हमारा न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है. तो अब माइनस को भी हम इग्नोर कर दीजिए, तो माइनस से नेगेटिव को उतना हमें पता चलता है कि जो नेगेटिव नंबर आता है वो दूसरी साइड होता है. तो हियर 0 के बाद हम लिख सकते हैं -1, -2 एंड सेकंड साइड +1, +2 ऐसे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं. अब माइनस है उसका मतलब कि 0 से इस साइड ये नंबर होगा. क्लियर. अब ये माइनस वाला छोटा है कि बड़ा, वो हमें ये क्या है 5 जो है वो क्या है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है. अगर हम उसको 5 को 6 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, ऑलरेडी ये 1 से छोटा होता है. तो ये हम अगर हम इधर रखे और ये 0 रखे तो 5 6 8 14. इन शॉर्ट
ये 1 और 0 के बीच में आने वाला नंबर है, ये पहला अंदाजा हमें लग सकता है। और ये आएगा 6 पार्ट्स है, कितने पार्ट्स है 6, तो उसका मतलब यहां हमें 1 से 0 के बीच में 6 इक्वल पार्ट्स आने पड़ते हैं। 1 से 0 के बीच में 6 इक्वल पार्ट्स कैसे, तो यहां सपोज कर के 0 बाय 6 होगा, फिर क्या होगा दूसरा पार्ट, हम 6 पार्ट कर देते पहले 1 ये 1 फिर 2 फिर 3 1 2 3 4 5 और 6, तो ये माइनस, अब देखो होगा क्या, ये माइनस 6 बाय 6 होगा मतलब 1 हो जाएगा, तो ये क्लियर, ये हुआ माइनस 1 अपॉन 6, ये हुआ माइनस 2 बाय 6, ये हुआ माइनस 3 बाय 6, ये हुआ माइनस 4 बाय 6, और ये जो हमारा नंबर मिलता है माइनस 5 बाय 6, तो ये क्लियर हो जाता है ये जो पॉइंट है वो क्या है हमारा माइनस 5 बाय 6। तो इस तरीके से हम नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हमें ये अंदाजा लगाना पड़ेगा कि वो जो नंबर आपका नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, तो वो आता कहां है, किन दो नंबरों के बीच में आना चाहिए। सपोज करो यहां हमने लिया था कि ये क्या है 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, इन दोनों के बीच में ही हमें उसका रिप्रेजेंटेशन करना है। तो उसके बाद आप पार्टीशन इधर 7 पार्ट करके भी कर सकते हो, इधर हमने कर दिया कि 6 पार्ट इक्वल ले लिए और उसमें कौन सा हिस्सा लिया था हमने 5, सो माइनस 5 बाय 6 इज यू कैन रिप्रेजेंट इट। नाउ एग्जांपल नंबर 2 रिप्रेजेंट, तीन नंबर दिए हैं यहां देखो, तीनों के क्या है डिनोमिनेटर सेम है, तो ये भी माइनस है, फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ द नंबर लाइन। सबसे पहले आपको एक अच्छे से नंबर लाइन बना लेनी है। अब देखिए इसके नीचे वाला नंबर दैट मींस डिनोमिनेटर कितना है 11, सो हियर यू कैन राइट 0 एंड माइनस 1। सो अब सपोज करो ये माइनस 9 बाय 11 है, वैसे हम 11 बाय 11 लिखते तो ये माइनस 11 बाय 11, उसका मतलब ये हुआ कि नीचे वाला नंबर जो है उतने पार्ट्स हमें बनाने पड़ेंगे, वो भी कितने इक्वल होने चाहिए। तो हम इधर से स्टार्ट करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, दैट मींस 11, तो ये जो नंबर हमारे बने वो क्या बनेंगे यार -1/11 -2/11 -3/11 -4/11 -5/11 -6/11 -7/11 -8/11 -9/11 और -10/11 and last -11/11 that means -1, so you have to represent first all the numbers and you represent -2/11 that means -2/11 you can call it A, and second point -5/11 look here that you can call B and -9/11। इस तरह से आप कोई भी नंबर क्या कर सकते हो रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इस तरह से नंबर लाइन के जो नंबर रिप्रेजेंट करने होते हैं वो इस तरह से आप कर सकते हैं। एग्जांपल नंबर 3 राइट, 5 रेशनल नंबर्स व्हिच आर स्मॉलर देन 2, ऐसे 5 रेशनल नंबर हमें लिखने हैं कि जो 2 से छोटे हो बिलो 2। तो यू नो दैट देयर आर लॉट्स ऑफ नंबर्स बिलो 2, how many there are infinity rational numbers below 2, बहुत सारे ऐसे नंबर है कि जो 2 से छोटे हो, उसमें से कोई भी 5 आप लिख सकते हो, आपको जो लिखना चाहो पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो उसमें 2 से छोटे पॉजिटिव रेशनल नंबर्स भी है और नेगेटिव रेशनल नंबर्स भी है, या 1 1 1 दैट मींस 1 बाय 1 यू कैन रिप्रेजेंट 3 बाय 2 ऑफ दैट इज आल्सो रेशनल नंबर, 1 बाय 3 3 बाय 2 0 माइनस 2 एंड लॉट्स ऑफ सो मेनी नंबर्स यू कैन राइट इन दिस answer. Example number 4. 5, 10 rational numbers between -2/5 and 1/2. ऐसे हमें नंबर इसके बीच में कितने होते हैं? Lots of infinity numbers, you know that छोटे से छोटे से छोटे, आगे आप नाइन के बारे में सीखेंगे। 10 rational numbers you have to represent. तो first you have to convert its denominator same denominator. दो जो आपको नंबर दिए हैं उसमें से इसका डिनोमिनेटर 5 है और इसका 2 है, तो उसमें ऐसा एक डिनोमिनेटर आपको लाना पड़ेगा जो दोनों का सेम डिनोमिनेटर करना पड़ता है बाय मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये बड़ा डिनोमिनेटर करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कोई नंबर
और उसका सेम उसके एलसीएम जितना या उससे ज्यादा आप मल्टीप्लाई करो, तो ऐसा डिनोमिनेटर सेम लाना है कि उसका जो न्यूमरेटर है उसका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 10 से ज्यादा होना चाहिए या 10, क्योंकि हमें 10 नंबर्स रिप्रेजेंट करने हैं तो 10 कम से कम डिफरेंट होना चाहिए। अगर 5 नंबर फाइंड करने हो तो 5 होना चाहिए, 3 करने हो तो 3 से ज्यादा चाहिए। तो ये बात ये आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप कोई बीच वाले नंबर फाइंड करने की कोशिश करते हो या करना चाहते हो, तो यू हैव टू फर्स्ट मेक डिनोमिनेटर सेम एंड न्यूमरेटर द डिफरेंस बिटवीन टू न्यूमरेटर्स मोर देन 10. So clear here. Okay. First here we have first number minus 2 by 5 and second number is 1 by 2. So now make सबसे पहले देखते हैं हम तो इसका 10 numerator कर सकते हैं 5 से 10, तो उसमें 2 5 से 10 कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उसका numerator देखेंगे तो वो difference 10 से कम होता है, उसके लिए वो हम नहीं ले सकते। Now you have to make 20. So 5 4 are 20. ऊपर वाला जो number है उसको 4 से हम multiply करेंगे, तो आपका जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, माइनस 8, 4 टू साइड एंड 20, तो 8 अपॉन 20 हो जाता है। और इधर 20 किया है तो इधर भी आपको डिनोमिनेटर 20 करना पड़ेगा, सो यू हैव टू राइट 2 टाइम्स आर 20 एंड एज वेल एज 1 इज मल्टीप्लाई विद 10, सो 10 बाय 20। लुक हियर द डिफरेंस ऑफ 10 एंड माइनस 8 इज मोर देन 10, सो यू कैन फाइंड द डिफरेंस लॉट्स ऑफ नंबर फ्रॉम दैट, सो 8 अपॉन 20 यू नो दैट एंड 10 बाय 20। नंबर लाइन पे आप देखोगे तो ये माइनस 8 अपॉन 20 है और वो 10 है, बहुत सारे नंबर इसके बीच में आते हैं, तो फ्रॉम बिटवीन दैट नंबर्स में आप माइनस 9 बाय 20 माइनस 8 बाय 20 है हमारे पास, माइनस 8 बाय 20, तो उससे बीच वाले नंबर बात करें माइनस 7 बाय 20 माइनस 6 बाय 20 माइनस 5 बाय 20, बहुत सारे नंबर हैं ऐसे, माइनस 4 बाय 20 माइनस 3 बाय 20 एज वेल एज, अब इस तरह से पॉजिटिव भी है हमारे पास, जैसे 5 बाय 20 है, 6 बाय 20 है, 7 बाय 20 एंड 8 बाय 20 9 बाय 20 एंड 10 बाय 20 नहीं ले सकते क्योंकि वो उससे बीच वाला नंबर नहीं होगा, तो इसमें से आप कोई भी 10 से लेकर के आप नंबर्स देख सकते हो। तो ये जब रिप्रेजेंटेशन की बात आती है उसके बाद ये दूसरी बात हमारी आती है राइट द रेफरेंस नंबर। ऐसा है एग्जांपल नंबर 5 है हमारा, एग्जांपल नंबर 5 5 रेशनल नंबर्स, इसमें आपको क्या करना है 5 रेशनल नंबर 5 करना है, तो आपको ध्यान क्या रखना पड़ेगा उसका जो डिनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए और उसका न्यूमरेटर का डिफरेंस मोर देन 5 होगा, आप इजीली ये फाइंड कर सकते हो एग्जांपल नंबर 5। इसमें फर्स्ट जो है 2 बाय 3 एंड 4 बाय 5, तो उसमें आप एलसीएम ले सकते हो या उससे ज्यादा भी, ऊपर नीचे सेम नंबर ऐसे मल्टीप्लाई करके आप उसको कंटिन्यू करके उसका डिनोमिनेटर सेम कर सकते हो और उसको सॉल्व कर सकते हो। उसी तरह से सेकंड है और थर्ड है। एग्जांपल नंबर 6 की बात करें, 6 नंबर जो है वो भी आपको होमवर्क में, क्योंकि राइट द रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन माइनस 2, माइनस 2 से बड़े ज्यादा नंबर, तो उसके बाद माइनस 2 से बड़ा नंबर माइनस 1 है, 0 है, उसके आगे पॉजिटिव नंबर्स लॉट्स ऑफ नंबर्स देयर कैन बी मेनी रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन माइनस 2, 5 ऑफ देम आर, उसमें से कोई भी 5 आप लिख सकते हो। 7 नंबर 5 10 रेशनल नंबर्स स्प्लिट 3 बाय 5 एंड 3 बाय 4, ऐसा ही एग्जांपल नंबर जैसा हमने शुरू किया वैसा ही एग्जांपल नंबर 7 है, यहां पे लास्ट एग्जांपल है आपका फर्स्ट नंबर, ये भी आपको घर से प्रैक्टिस करना है। तो जिस तरह से हमने ऐसे अभी किया कि मोर देन 10 उसका न्यूमरेटर का डिफरेंस होना चाहिए और उसका जो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो उसमें भी आप 50 100 ले सकते हो, 100 किलोमीटर्स कर दो तो आपका जो डिफरेंस है वो न्यूमरेटर का बढ़ जाता है, तो इस तरीके से आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरह से स्टैंडर्ड का चैप्टर 1 1.1 एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज इस तरह से हम खत्म कर रहे हैं और उसका होमवर्क भाग में लिख के भेज दिया जाएगा और टेक इट ईजी।